देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। बातचीत करें तो इस हफ्ते में ये तीसरी बार देखने को मिला है जब पेट्रोल के दाम आज एक बार फिर से 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं डीजल के दामों में भी 75 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। बात करें तो इस हफ्ते में या तीसरी बार तो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि है, तो वहीं एलपीजी गैस के सिलेंडरों में भी 50 रुपए तक की वृद्धि पहले की गई थी, और इसी हफ्ते में चुनाव खत्म होने के बाद में लगातार महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ अभी अपडेट सामने आ रही हैं, सीधा दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल के दाम हर हफ्ते बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। बातचीत करें तो पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में इस बार तो तीसरी बार बढ़ गए। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की 75 पैसे एक बार फिर बढ़ा दी है। नई दरें आज से ही लागू हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल 97.81 रुपए लीटर और डीजल 89.7 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल 97.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल 4 दिन में 2.40 रुपए महंगे हो चुके हैं। अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दाम जानने से पहले आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं। पूरे देश में मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए गए थे। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को डीजल पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली। वहीं बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे और मुंबई में 85 पैसे बढ़ गए थे। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा था। दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो तक बढ़ाए गए थे। तेल कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा किया था। तो दामों में बढ़ोतरी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1,000 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।